नेता साहब 70 साल वाली भी मैंने देखी है और 9 साल वाली भी देखी है, ठीक है। और जो है जो काम 70 साल में नहीं हुए वो 9 साल में हुए, क्या ऐसा हो गया? ठीक है, सबसे पहले 70 साल वालों ने कहा था ताला घिसते घिसते घिस जाएगा, अच्छा। राम मंदिर का, ठीक है, आ गए महानुभाव मोदी जी 56 इंच का सीना, उन्होंने जो है देखा कि भैया कितना ताला घिसा है ना, बाकी का चाबी हम बनाते हैं, अब बना के उन्होंने खोल करके और करा दिया काम, आ जाओ जहां तक जिसको लड़ाई लड़नी है लड़ लो भाई, ठीक है, उसके बाद ज्ञान वापी। आपको जो है पार्लियामेंट में जो है एक पुरुष से ही काम नहीं चलेगा, आपको महिला लाना पड़ेगा और महिला लाने के लिए महिला आरक्षण लाना बहुत जरूरी है, नहीं होता था। अब आज मोदी जी ने जो है इस चीज को नए संसद में सबसे पहले महिला आरक्षण बिल की ही बात करी है, ठीक है, अभी इसमें बहुत लोग तैयार हो गए, खुश है, फायदा तो उनको हो रहा है जो लोग इलेक्शन लड़ेंगे, हम जैसों के पास तो पैसा नहीं है भाई इलेक्शन लड़ने के लिए। अभी जैसे ओवैसी जैसा जटी बंदा, उसने क्या बोला इडियट ने कि उसमें मुस्लिम महिलाओं को कोई फायदा नहीं है, अरे तुम लोग उसमें मुस्लिम महिलाओं को नहीं, महिला मतलब महिला, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है चाहे सिख है चाहे ईसाई है, कोई भी है महिला महिला है, चाहे एसटी है चाहे एससी है, ऐसे नहीं होता है क्या? हिंदू अभी तक शांत था, हिंदू शरीफ है सज्जन है, वो बोलता नहीं है, लेकिन जब तुम लोगों ने लिमिट क्रॉस, हाँ अब बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा, मुखर हिंदू है हमारी तरह मुखर है, मुखर हिंदू होगा तो प्रखर राष्ट्र होगा, ठीक है, प्रखर राष्ट्र होगा तो आपको बता दे ये भारत जो है पूरा जो है पूर्ण रूप से जो है साम्राज्य बनाना छोड़ेंगे, 1000% लोग 100% कहते हैं, मैं 1000% बोल रहेंगे। और आज ऐसा दिन आया है बिल्कुल ही बढ़ गए हैं, ये हमारी मोदी जी का देना है, सारी महिलाएं खुश है इस बिल को पारित होने से, और ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि जब तक महिलाओं को कोई आगे नहीं बढ़ाएगा तब तक महिलाएं इतना सदियों से बढ़ते 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 आ रही हैं, लेकिन कोई ऐसे लोग भी हैं जो महिलाओं को रोकना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना ही नहीं देना चाहते हैं, लेकिन आशा शुक्ला पार्लियामेंट में आज आपके लिए मतलब महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण पास किया गया है, आप लोगों के लिए सच में जरूरी था, आप लोगों के लिए बिल्कुल जरूरी था, क्यों सिर्फ महिलाएं घर गृहस्थी एक कमरे के अंदर बंद वाली चीजी रह गई है क्या? पहले तो हमें यही बताइए, ऐसे तो जो है महिला और पुरुष बचपन से दोनों भाई बहन होते हैं, जन्म होता है दोनों भाई एक घर में आंगन में पलते हैं, बड़े होते हैं पढ़ते हैं, शादी हो जाती है लड़के की दूसरी जगह लड़की की दूसरी जगह, ठीक है, लड़के की होती है तो जो है बहू आती है वो भी तो एक महिला है, लड़की की होती है उसके संग में जो है एक दामाद आता है वो भी पुरुष है, तो महिला और पुरुष एक गाड़ी के जो है दो पहिए हैं और एक दूसरे के बिना जो है गाड़ी चल नहीं सकती है, उसी प्रकार जब अगर मान लीजिए गाड़ी का एक पहिया खराब हो जाता है तो दूसरे पहिए से खाली अकेले गाड़ी नहीं चलाई जा सकती है, ठीक है, इसी तरह से जो है सिर्फ आपको जो है पार्लियामेंट में जो है एक पुरुष से ही काम नहीं चलेगा, आपको महिला लाना पड़ेगा और महिला लाने के लिए महिला आरक्षण लाना बहुत जरूरी है, ठीक है, उनका एक रिजर्वेशन कोटा हो जाएगा, अभी तक तो 3% पहले था एच डी देवेगौड़ा के समय, उसके बाद में जो है 3 से 30% आया, ठीक है, 2010 में देवेगौड़ा के समय पे जो है वो पारित कराने के चक्कर में थे, लेकिन किन्हीं कारणों से जो है वो देवेगौड़ा की सरकार खत्म हो गई चली गई और फिर वो नहीं कुछ कर पाए, उसके बाद में जो है आपका सोनिया गांधी ने कोशिश करी थी, लाए यही लोग थे लेकिन कोशिश इन्होंने करी, लेकिन उसके बाद में जो है कभी राज्यसभा में पारित होता था तो लोकसभा में नहीं होता था, कभी लोकसभा में हो जाए तो राज्यसभा में नहीं होता था, इस तरह से ये लटक रहा था, ठीक है, त्रिशंकु की तरह वो लटकता रहता था, इधर उधर घूमता रहता था, नहीं होता था। अब आज मोदी जी ने जो है इस चीज को नए संसद में सबसे पहले महिला आरक्षण बिल की ही बात करी है, ठीक है, अभी इसमें बहुत लोग तैयार हो गए, खुश है, फायदा तो उनको हो रहा है जो लोग इलेक्शन लड़ेंगे, हम जैसों के पास तो पैसा नहीं है भाई इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है, हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से बकबक तो कर लेंगे लेकिन जो है पैसा नहीं है कि हम इलेक्शन लड़े, मोदी जी अगर उन्होंने बलबूते खर्चा करके मोदी जी लड़वा देंगे तो लड़ लेंगे, नहीं लड़वाएंगे तो कोई बात ही नहीं है, मोदी जी भी सुनकर हो सकता चुप बैठ जाए तो वो तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है जी। तो दूसरी बात ये है उसमें कम से कम महिलाओं के लिए एक सीट फिक्स हो गई है कि आपके इतने परसेंट, अब मोदी जी ने 40% चेक करी है, 33 से
40% कर दिया है। अब अगर जब भी कभी इलेक्शन होगा और महिलाएं जीत करके आएंगी तो 181 महिला जो है संसद में बैठेगी, ठीक है जी, इससे बड़ी क्या उपलब्धि मानी जा सकती है। कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि महिलाओं को अपने बलबूते वहां तक पहुंचना चाहिए था, आरक्षण की जरूरत सहारा नहीं लेना चाहिए था। हाँ। उनको क्या कहेंगे? महिलाओं ने कब आरक्षण बोल दिया था? वो तो एक सीट रिजर्व करने वाली बात थी कि उस सीट से सिर्फ महिला ही इलेक्शन लड़ सकती है, ना कि महिला और पुरुष लड़ सकते हैं। पुरुष के लिए अलग सीटें हैं, महिला के लिए अलग सीटें आरक्षित करी गई हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पे अभी कुछ लोगों की आदत होती है ना कि दाल भात में मूसर चंद बनने की, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी जैसे ओवैसी जैसा डर्टी बंदा, उसने क्या बोला इडियट ने कि उसमें मुस्लिम महिलाओं को कोई फायदा नहीं है। अरे तुम लोग उसमें मुस्लिम महिलाओं को नहीं, महिला मतलब महिला, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, कोई भी है, महिला है, चाहे एसटी है, चाहे एससी है। किसी ने और भी ये बयान दिए कि एसटी एससी और ओबीसी महिलाओं को भी कोई फायदा नहीं है। अरे सबको फायदा है, महिला का मतलब महिलाओं का क्या तुम स्ट्रक्चर देख करके अलग अलग आंक रहे हो? महिला होती है, महिला कोई वो नहीं है। हाँ, एंग्लो इंडियन से हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमारा मतलब उधर वाले बाहर के लोग, ठीक है, लेकिन हमारा मतलब बनता है, देखिए भारत के अंदर पागल दिवालिया देशद्रोही और विदेशियों को इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं है, ये भारत के संविधान में लिखा हुआ है, आज नहीं शुरू से लिखा है, बाबा भीमराव अंबेडकर ने ही ये लिखा था। और बाकी बचा सबको लड़ने का अधिकार है, तो ये ना ये मुस्लिम और का तुष्टिकरण ना करें, ना मुस्लिम महिलाओं को बरगलाने की कोशिश करें, ठीक है। आज मुस्लिम महिलाएं तुम सबको बहुत अच्छे से जान गई है कि तुम लोग क्या हो, तुम लोगों ने सिर्फ अपने पांव की जूती बना करके महिलाओं को रखा हुआ है। मुस्लिम पुरुषों ने चुनाव में मुद्दा बनेगा महिलाओं के लिए, मतलब चुनाव का ये मतलब इस्तेमाल कर मुद्दा, इलेक्शन का मुद्दा कि ये महिला लागू हो जाता है, इलेक्शन के लिए महिला खड़ी है, इलेक्शन के लिए महिला खड़ी है जी। और अगर 2024 में महिलाएं खड़ी होंगी, और महिलाओं को मैं ये बता दूं कि कोई भी महिला अपना सिर्फ चेहरा चमका के लिपस्टिक बिंदी लगा के खड़े होने से वोट नहीं मिलता है। महिला को वोट कब मिलेगा? जब आप अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं, आप अपने लोगों की समस्याएं सुन रही हैं, तब महिला को कहा, इसके लिए महिला को निकलना। हम यहाँ रात तक होते हैं, 8:30 बजे यहाँ से अपने घर जाते हैं, फिर हम 11 बजे अपने घर में जाके चढ़ते हैं। मैं उससे पहले जो है अपने क्षेत्र के भी जो है महिलाओं की समस्याओं को सुनती हूँ, महिलाओं की भी सुनती हूँ, पुरुषों की भी सुनती हूँ, दोनों की सुनती हूँ। दोनों के लिए अगर मुझे कोई लेटर और एप्लीकेशन लिखना होता वो भी काम मैं करती हूँ, समझे जी। तो ऐसे लोग चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए कि बीजेपी के नाम पे हमारा चौकटा खड़ा हो गया तो लोगों ने बीजेपी के नाम पे मोहर देने। अरे तुम भी तो कुछ करो, तुम भी कुछ करो। महिला जब तक कुछ करेगी नहीं ना, कुछ नहीं होने वाला। खाली चेहरा चमका करके लिपस्टिक बिंदी लगा लो, सिल्क की साड़ी पहन लो, चश्मा यहाँ टांग लो, इससे कुछ नहीं होता है। अच्छा, 9 सालों से जो अपने मोदी जी का कार्यकाल देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? मोदी सरकार की कार्यशैली आपने देखी होगी, कैसा? देखिए जी साहब, 70 साल वाली भी मैंने देखी है और 9 साल वाली भी देखी है, ठीक है। और जो है जो काम 70 साल में नहीं हुए वो 9 साल में हुए, क्या ऐसा हो गया? ठीक है, सबसे पहले 70 साल वालों ने कहा था ताला घिसते घिसते घिस जाएगा। अच्छा। राम मंदिर का, ठीक है, आ गए महानुभाव मोदी जी, 56 इंच का सीना। हाँ। उन्होंने जो है देखा कि भैया कितना ताला घिसा है, ना बाकी का चाबी हम बनाते हैं, अब बना के उन्होंने खोल करके और करा दिया काम। आ जाओ, जहाँ तक जिसको लड़ाई लड़नी है लड़ लो भाई, ठीक है। उसके बाद ज्ञान वापी, उसके बाद मथुरा। अच्छा। ये हो रहा है काम, अभी आप कुछ नहीं है, जामा मस्जिद भी खुदवाई जाएगी, चिंता मत करो, इसके भी नीचे मंदिर है। आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी, बात हिंदू मुस्लिम की नहीं होती, बात ये है भैया तुम्हारे लोगों के जो नाना दादा परदादा जितने जो है तुम्हारे आक्रांता आका लोग थे, तुम्हारे अब्बा जान, बड़े बड़े वाले अब्बा जान, ये वाले अब्बा जान नहीं जो अब अब्बा जान है वो नहीं है, तुम्हारे जो बड़े बड़े वाले अब्बा जान है, उन अब्बा जानों के द्वारा जो है तुम लोगों ने जो कब्जे करे थे ना, ये तो औरंगजेब सबसे बड़ा इनका अब्बा जान, दादा जान, दादा का दादा जान है कि तोड़ो मंदिर नीचे दबा दो और ऊपर अपनी मस्जिद तामीर कर लो, ऐसे नहीं होता है क्या? हिंदू अभी तक शांत था, हिंदू शरीफ है, सज्जन है, वो बोलता नहीं है, लेकिन जब तुम लोगों ने लिमिट क्रॉस कर, हाँ अब बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा, मुखर हिंदू है, हमारी तरह मुखर है, मुखर हिंदू होगा तो प्रखर राष्ट्र होगा, ठीक है।
प्रखर राष्ट्र होगा। तो आपको बता दे ये भारत जो है पूरा जो है पूर्ण रूप से जो है साम्राज्य बना छोड़ेंगे 1000%। लोग 100% कहते हैं, मैं 1000% बोल रहा हूँ। लड़के या कुछ मनुष्य बोल रहे हैं कि ये महिलाओं के लिए आरक्षण की जरूरत नहीं थी, उन्हें अपने बलबूते वहाँ तक पहुँचना चाहिए था, क्या कहेंगे उनको? हम लोग तो इतने दिन से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे, और आज ऐसा दिन आया है बिल्कुल ही बढ़ गए हैं। ये हमारी मोदी जी का देना है, सारी महिलाएं खुश है इस बिल को पारित होने से, और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक महिलाओं को कोई आगे नहीं बढ़ाएगा तब तक महिलाएं ये तो सदियों से बढ़ते 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 आ रही हैं, लेकिन कोई ऐसे लोग भी हैं जो महिलाओं को रोकना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना ही नहीं देना चाहते हैं, लेकिन इनके रोकने से आज महिलाएं खुद नहीं रुकी, ये बिल खुद पे खुद पारित हो गया। ये सारे मोदी जी का देना है। जय हिंद जय भारत। आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है। हम लोग की महिलाओं की चेहरे पर एक ऐसी खुशी आई है, एक ऐसी झलक झलक रही है जो दिलों से खुश है, उमंग है उनके अंदर कि आज हम लोग संसद भवन भी गए, पार्लियामेंट भी गए, और पार्लियामेंट में जो नजारा हमने देखा महिलाओं की खुशी का, वो आज तक कहीं नहीं देखा। अच्छा, मोदी सरकार के बाकी और कामों से आप खुश हैं कि बस इस बिल से खुश हैं? नहीं, मोदी जी के बहुत सारी स्कीम से खुश है। हाँ। बहुत सारी योजनाएं आई, लगभग हमारे अंदाज से 200 योजनाएं उनकी चल रही है, जिसमें स्वनिधि योजना, स्वनिधि योजना के लाभार्थी इतने लोग हुए हैं कि वो इतने खुश हैं, 10,000 की लोन से पास कराकर उन्होंने अपनी रोजी रोटी शुरू करी है। उज्ज्वला है क्योंकि घर घर में गैस तक गया है, और गैस के होने से हर महिलाओं के आंसू आज पोछे जा रहे हैं, नहीं तो वो धुआं का आंसू रो रही थी। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो मोदी जी ने पहुंचाया हम तक, उन योजनाओं से हम काफी खुश हैं। 2024 में उनको देखना चाहेंगे क्योंकि चुनाव है? 2024 में तो हम खुली आंखों से देखना चाहते हैं, उनको डंका पर बजाएंगे चोट कि मोदी 2024 में आए, उनका हम स्वागत करें सहे दिल से। चलिए, अच्छा लगा बात करके। तो ये थी महिला की राय, क्या सोचती है। बाकी ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, और देखते रहिए द लोकसभा।